गोरखपुर जिले में मंगलवार को 288 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई है। अब गोरखपुर में मृतकों की संख्या 134 हो गई है। गोरखपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,695 हो गई है। अब तक जिन मरीजों का इलाज हो चुका है और होम आइसोलेशन ओवर हो चुका है, उनकी संख्या बढ़कर 6,776 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि सोमवार को गोरखपुर में जो 288 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें सदर क्षेत्र में 161 तो ग्रामीण क्षेत्र में 98 सहित अन्य 29 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। आपको बता दें, सदर क्षेत्र में जो 161 मरीज पाए गए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 47, गोरखनाथ क्षेत्र में 27, राजघाट क्षेत्र में 2, तिवारीपुर क्षेत्र में 3, कैंट क्षेत्र में 44, कोतवाली क्षेत्र में 17, रामगढ़ताल क्षेत्र में 13, चिलवाताल क्षेत्र में 1, गुलरिया क्षेत्र में 7 मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 98 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 3, कैंपियरगंज में क्षेत्र में 7, चरगावा क्षेत्र में 19, गघा क्षेत्र में 2, बेलघाट क्षेत्र में 1, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 2, कौड़ीराम क्षेत्र में 3, खजनी क्षेत्र में 1, खोराबाद क्षेत्र में 20, पिपरौली क्षेत्र में 5, उरवा क्षेत्र में 8, भटहट क्षेत्र में 5, सहजनवा क्षेत्र में 8, सरदारनगर क्षेत्र में 2, गोला क्षेत्र में 1, पिपराई क्षेत्र में 4, पाली क्षेत्र में 5 सहित अन्य 29 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है।